ये क्वेश्चन देख ले, कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन है, ये पूरा डेटा दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंड 30। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल में से, हाँ सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, एक तो ये होता है ना, प्रॉफिट हाँ नहीं, एक तो है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। अब सब टाइम ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया होता है, इसका मतलब ये हुआ जब भी ऐसे लिखा हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें से अच्छा जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ना तो हम उसमें से माइनस करते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन, उसको फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा किसी भी तरह के लोन पे, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो जब हम उसमें से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा एंड बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्सेशन माइनस करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब इस तरह का सिनेरियो दिया हो प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब अब आपको बैक जाना है, पहले आपने माइनस किया था वो आपको बैक जाना है, जब फिर से बनाए तो आपका आइडिया हो जाएगा। नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे आता है, ये हमने सेल, ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक, से आपने माइनस कर दी ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आया ना इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, इसको या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमें फाइंड करना है। लेस फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंटरेस्ट दोबारा लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी कौन ज्यादा डिबेंचर का बड़ी आता है, ये आपने माइनस करना है, तो ये आता है। अच्छा, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी कहते हैं, प्रॉफिट पी बी आई टी, पी बी आई टी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी। अब ये जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन एंड बिफोर टैक्सेशन एंड बिफोर टैक्स, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इसमें से आपने लेस कर, दोबारा लेस क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद? लिख देता हूँ, मैंने ऐसे दो वर्ड यूज कर लिए ना, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो समझ में आ रहा है ना आपको, जी ये जो अमाउंट है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसमें से लेस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, क्या करते हैं फाइनेंस फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये मैं एफसी, ये इक्वल होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉस्ट ऑल काइंड इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ऑल काइंड ऑफ लोन, समझ आ रही बात, यानी आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, डिबेंचर लिया हुआ है, उन सब पे आप इंटरेस्ट पे कर रही हैं, तो वो आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करें, ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, इसका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट लिख लें एंड बिफोर टैक्स लिख लें। अब इसमें से आपने लेस करना है टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, कंपनी टैक्स होता है, डिवेंचर्स हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वही कह रहे हो ना, डिबेंचर भी हो सकता है लोन भी हो सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अब ये क्या है टैक्सेशन, इसके बाद टैक्सेशन माइनस करेंगे ना तो ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्या आ गया, और ये आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंड 30। अब ये डिपेंड करता है डेटा पे, या तो आप ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए ठीक इसमें आप ये टैक्सेशन ऐड करेंगी तो ये आ जाएगा,
और इसमें से इंटरेस्ट ऐड करेंगी तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? जाएंगे तो टैक्सेशन ऐड होगा। हाँ, जो माइनस किया तो ऐड करेंगे, ठीक दो ही आइटम होते हैं, टैक्सेशन ऐड करेंगे अगर गिवन है, और अगर फाइनेंस का तो गिवन होगा, लाजमी बात है। ठीक है, वो आपने ऐड कर देना, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ये बात। अब ये देख लेते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया, इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहीं दिया होगा। एक तो ये आ रहा है 8%, 120,000 की 8%। ठीक है, तो जी ये हम मार्केट में देखते हैं। ये देखें 99,400 प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें ऐड कर रहे हैं 120,000 का 8%, तो ये आ गया 99,400। ओ सॉरी, वही। इंटरेस्ट वाला हाँ, ऊपर पीछे दिया है ना, ये 8% में लिखा है, जी 8% का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 8% है ना, इंटरेस्ट अमाउंट है यानी इंटरेस्ट का रेट है, आपने 8% पे करना है, वो भी लोन आपने लिया 120,000। ठीक है, 120 का 8% निकाल ले, 9,600 आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 9,600। जी बस ये हम प्रॉफिट पर ईयर में ऐड करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी 109,000। क्लियर? उसके बाद ये भी हो गया, कैलकुलेट द अमाउंट रेज बाय द राइट इशू ऑन 1 जुलाई 2020। अब इन्होंने राइट इशू किया है, ये इशू आप शेयर से आ गया, यहाँ पे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2021 द डायरेक्टर हैड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। हैव मेड, इसका मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, द राइट इशू वॉज मेड एट 0.35 पर शेयर एंड वॉज फुली सब्सक्राइब। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका जी है और इसका अमाउंट यानी शेयर कैपिटल में इंक्लूडेड है, शेयर कैपिटल में जी इंक्लूडेड है, तो कितना दिया हुआ है, ये 480,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ 0.5, ये देखें फेस वैल्यू 0.25 दी हुई है और ये 480,000 शेयर कैपिटल। ठीक है, जी दोबारा स्कैन करते हैं शेयर कैपिटल वाला। जी आपने क्या कहा, क्या समझा दूं दोबारा? जी शेयर कैपिटल वाला।
हाँ वो ये कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2021, देखिए बिजनेस पीरियड ये डेटा क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2021, ऐसे ही तो ये डेटा है क्लोजिंग, सारा डेटा क्या है क्लोजिंग। क्लोजिंग लेकिन उससे यानी 31 दिसंबर से पहले ऑन 1 जुलाई 2021 द डायरेक्टर हैड मेड अ राइट इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। द राइट इशू वॉज मेड एट 0.35 पर शेयर एंड वॉज फुली सब्सक्राइब। इसका मतलब ये हुआ कि राइट शेयर से जो अमाउंट आया है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कैसे पता लगा, एक तो ये आपको डेट क्लोजिंग डेट देखनी है, ये उन्होंने डेट दी हुई, सारा ये सारा डेटा 31 दिसंबर, और फिर यहाँ कह रहे 1 जुलाई को इशू किया था, इसका मतलब जी इसके अंदर राइट इशू इंक्लूडेड है ना, ठीक जी है। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हुए, क्या नहीं दिए हुए, तो नंबर अगर आपको याद हो नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इश्यूड शेयर डॉलर यानी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। अब शेयर जी कैपिटल कितना है, 480,000, और फेस वैल्यू कितनी है, 0.25। आपके पास इश्यू शेयर आ जाएंगे 1,920,000, समझ आया। जी तो ये अब तक के इश्यूड शेयर है। अब इन्होंने शेयर इशू किए थे 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू, ठीक है। इसका मतलब हर दो शेयर के पीछे एक नया शेयर इशू किया, ओके हर लिखा है 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी। आप जिसके पास भी 2 ऑर्डिनरी शेयर थे उसको एक और एडिशनल दे दिया, सही है। 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी, आपको ये इंग्लिश समझनी पड़ेगी ना, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। यानी अगर आपका 2 शेयर पड़े हुए थे, आपके 1 शेयर और मिल गया, तो टोटल कितने शेयर हो गए आपके पास, 3 हो गए है ना, कितने हो गए ये, दोबारा बोले कितने हो गए, तीन तीन हो गए ना। अब हम नंबर ऑफ राइट शेयर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय जो क्राइटेरिया है 1 for 3 1920, तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे। लिखा हुआ है कहाँ पे ये नंबर नंबर ऑफ राइट शेयर इक्वल एग्जिस्टिंग शेयर, आपके एग्जिस्टिंग शेयर 1920 है ना, शेयर ये वाले। जी अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, 1/3 यानी आपने 1 शेयर गेट किया है, ठीक है, हर 2 शेयर के पीछे 1/3 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास आ जाएंगे 640,000 नंबर ऑफ राइट शेयर जो 1920 में इंक्लूडेड है। यहाँ तक क्लियर, 640,000 हमारे पास नंबर ऑफ राइट शेयर आए। अच्छा, उसने पूछा है राइट शेयर की वजह से बैंक में कितना अमाउंट आया है, वो हमें निकालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि राइट शेयर कितने पे इशू किया है, 0.35 पे, कितने पे इशू किया है, तो हम इसकी जनरलिटी बना लेते हैं, ये बैंक है, नंबर ऑफ राइट शेयर कितने, 640,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इशू प्राइस जी, वो है 0.35। यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, 640,000 इंटू फेस वैल्यू 0.25, तो क्या आ जाएगा ये, और शेयर बाकी जो 0.1 है शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, 640,000 इंटू 0.1 ये 64,000 शेयर प्रीमियम में चला जाएगा। और सर क्या
नहीं कहाँ कहाँ पे समझ में नहीं आया? दोबारा आया, जो स्टार्ट बैंक वाला बता दो। आप दोबारा में पूछे क्या क्या समझ में नहीं आया? देखिए ये जहाँ से स्टार्ट किया बैंक वाला, ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़े। सॉरी ये तो डेटा है ना, नीचे क्वेश्चन दिया है ना, आपको तो दिखाया नहीं। तो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द अमाउंट रेज बाय राइट शेयर, ये पूछ रहे हैं। सही है? हमें यानी बैंक में कितना पैसा आया राइट शेयर की वजह से। याद रखना बोनस शेयर में इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, इनफ्लो ऑफ कैश राइट शेयर से होता है या न्यू इश्यू ऑफ शेयर से होता है। ठीक है, तो ठीक इनफ्लो ऑफ कैश जो है, इनफ्लो ऑफ कैश ये आपको मैंने पहले ही बताया था किसकी वजह से होता है, राइट शेयर और न्यू शेयर। ठीक, नो इनफ्लो ऑफ कैश यूजिंग बोनस शेयर। ये बात क्लियर है? यानी बोनस शेयर की वजह से कोई भी आपका इनफ्लो ऑफ कैश नहीं हो। अब आप देखें राइट इश्यू शेयर करने में आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज होगा ना। राइट शेयर आपने कितने का इशू किया है? 0.35 0.35। ठीक है, एक शेयर इंक्रीज हो रहा है 0.। और आपने कितने राइट शेयर इशू किए हैं? 40,000 है ना। आपने कितने शेयर इशू किए अभी? हमने कैलकुलेट किया ना पीछे, 19। टोटल शेयर आपके पास पड़े हैं 1920। ठीक है, इसको हमने 1/3 से डिवाइड किया तो ये 640,000 शेयर आ गए। ये राइट शेयर है जो इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? जी अब इसका अमाउंट देखें कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 224,000। ये जल्दी से बताएं। ठीक थाउजेंड है, तो ये आपका बैंक का अमाउंट है, किसका अमाउंट है? अगर आपसे जनरल एंट्री बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगी? बैंक इंक्रीज हो रहा है डेबिट करते हैं ना, तो आप 640,000 इंटू 0.35 2224, ये मैं जनरल एंट्री बना रहा हूँ। ठीक, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। 640,000 इंटू 0.25, ये कैलकुलेट करें, ये क्रेडिट क्रेडिट आइटम यहाँ पे आएगा ना। वन सिक्सटी थाउजेंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये एडिशनल बता रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये सिक्सटी ऑर्डिनरी फोर से कैप्टन को 0.25 फेस वैल्यू है ना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, उससे ऊपर जो अमाउंट मिलता है वो आपके शेयर प्रीमियम में चला जाता है। ये बात हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, याद है इशू आप शेयर में भी किया था। आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ना, इशू आप शेयर वाली। यहां तक क्लियर है? अब इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में ये बनाना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें हमारे पास ओपनिंग नहीं है, ठीक है, इसका शेयर कैपिटल का वो ऑलरेडी उन्होंने क्लोजिंग किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आता है बैलेंस, ये बैलेंस एट 1 जनवरी है ना, यहाँ लिखेंगे बल्कि वहां दिखा देते हैं आपको, ये देखिए बैलेंस एट 30, ये अमाउंट आपको गिवन है, सही है, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन था ना, ये हमने वहां से उठा के कॉपी कर दी, फिर हमें, अच्छा हमने कितने शेयर इशू किए, हमने शेयर कैपिटल कितना इशू किया है, 160 था, अभी मैंने जर्नल एंट्री बनाई थी ना, तो जी ये देखें ये 160 था, इसीलिए बनाई थी ताकि आपको यहाँ क्लियर परेशानी ना, इशू ऑफ शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे आते, तो आपके राइट कितने शेयर थे, 640,000 थे ना, तो मल्टीप्लाई करें 0.25, तो ये 160,000 आए, क्लियर ये पॉइंट किया क्या? ये भी हमने पार्ट बी में किया, इसमें नहीं पार्ट बी में हमने किया है ना, कितने राइट शेयर है, 640,000 है, फेस वैल्यू क्या है, 0.25 इसका अमाउंट आ जाएगा ना 160,000, जो शेयर कैपिटल में आएगा, तो ये रहा 160,000, ठीक है, देखिए 480 में से 160 आपने माइनस कर ले तो ये ओपनिंग अमाउंट आ जाएगा 320 का, अगर ओपनिंग अमाउंट गिवन होता तो 320 में 160 ऐड करेंगे तो 480 आ जाता है, जो नॉर्मली ये करते हैं मतलब पूछते हैं, लेकिन इस केस में हमने रिवर्स जाना है, ठीक है, अब देखें शेयर प्रीमियम अकाउंट 90,000 दिया हुआ, दिया हुआ, तो ये क्लोजिंग है ना, तो हमने ये लिख दिया, बात क्लियर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा 90,000, ये क्लोजिंग है ना, ये आपका 90 क्लोजिंग है, हमने 0.1 नंबर ऑफ राइट शेयर कितने थे, 640,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, देखिए इशू प्राइस आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इशू प्राइस 0.35 है, फेस वैल्यू 0.25 है, ये 0.1 आ गया, तो 64,000 आएगा, क्लियर है, जी तो यहाँ लिख देंगे शेयर प्रीमियम के कॉलम में, अब 90 में 64 माइनस करेंगे तो ये आपका ओपनिंग अमाउंट आ जाएगा 26,000, यानी इसको इशू करने से पहले आपके पास शेयर प्रीमियम में 26,000 पड़ा, ठीक है, अब रिटेन अर्निंग का अमाउंट ओपनिंग ये गिवन होगा 133,000, ये चेक कर लेते हैं, हाँ ये दिया हो, ये देखिए ये रिटेन अर्निंग एट 1 जनवरी, यानी बिजनेस में जब शुरू हुआ था उस वक्त रिटेन अर्निंग क्या थी, ये 133,000, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ये यहाँ तक क्लियर है, अच्छा उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, ठीक है, 99,400 ये भी गिवन है, ये रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इसको भी कॉपी पेस्ट करना है, 99,400 आ गया, फिर डिविडेंड पेड तो दिया हुआ है, हाँ ये भी दिया हुआ है 96,000, ये रहा,
ये आ गया, इन सबको एडजस्ट करेंगे तो 136,000 आ जाएगा, 136 400 आ जाएगा, या रो वाइज टोटल आ जाएगा, फिर ओवरऑल टोटल आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एक सेकंड। अच्छा ये देखिए, नॉन करंट एसेट ने यहाँ पे 790 लिखा है। अब हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं ना उसमें डिटेल शो नहीं करते, नॉन नॉन करंट एसेट पे नेट बुक वैल्यू शो करें। तो ये देखें, नॉन करंट एसेट 960 है और नॉन करंट एसेट प्रोविजन 170 है। अब 960 में से 170 माइनस कर लें तो ये अमाउंट आना चाहिए 790। चेक कर लें, क्या माइनस करना उसमें से माइनस करें ना कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, जी? ये 960 दिया और इसमें जी से 170 माइनस करें, 790,000 ये आ गया 790 जी। के नीचे सिंगल लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर करंट एसेट की एडिंग देंगे। इसमें सबसे पहला आइटम इन्वेंट्री का होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये है 49,400। ये आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे कहीं दिया होगा। ये रहा ऑप्शन, इन्वेंट्री का वर्ड आता है 4,900। ठीक ठीक है, दूसरा आइटम होता है ट्रेड रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल। अब ये वर्ड आता है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, तो अदर रिसीवेबल इसी में ऐड कर देते हैं। अब आपने मैंने बताया ना, डिटेल आप शो नहीं करेंगे, आप कैलकुलेट करके आप शो करते हैं। अदर रिसीवेबल का मतलब है प्रीपेड, सही। और ट्रेड रिसीवेबल डेटर होता है जिससे आप ट्रेड कर रही हैं। ये 20,300 दिया होगा, ट्रेड रिसीवल है 18,900, अदर रिसीवल ये है 14। लेकिन दोनों को ऐड कर लें, टू जीरो 300 आ गया, ये देख। ओवरड्राफ्ट ठीक है, अच्छा बैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लाइब्रेरी में जाएगा।
क्लियर, जी करंट एसेट में नहीं आएगा, इसलिए बस दो करंट एसेट है। इन दोनों का आप ऐड करके इसका टोटल लिखेंगी 790 प्लस 669 करेंगी, तो टोटल एसेट हेडिंग डाल के ये अमाउंट लिखेंगे। आपने ये फॉर्मेट अच्छी तरह कर समझ रहे हैं? 2 मिनट होल्ड कीजिए, गाने हो जाएंगे।
जी आपको समझ में आ गया टोटल एसेट। ठीक जी अब आ रहे हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, आपने हेडिंग देनी इक्विटी एंड लाइबिलिटी की। सबसे पहले आपने इक्विटी लिखना है, फिर ये तीन आइटम आते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, और एक और आता है जनरल रिजल्ट। वो आप तो आपने इक्विटी लिखना है, पहले सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर शेयर प्रीमियम लिखेंगे, फिर जनरल रिजर्व लिखेंगे, फिर रिटेन अर्निंग लिखेंगे। जनरल रिजर्व केस में नहीं है, सिर्फ ये तीनों वैल्यू कॉपी करनी है आपने, ये वाली क्लोजिंग ठीक ये आगे लीजिए। उसके बाद लायबिलिटी की हेडिंग देनी है, फिर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग देनी है। ठीक है, अच्छा करंट लाइबिलिटी में वैसे तो 8% डिबेंचर लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे 8% डिबेंचर करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, इसकी इसका मतलब यह है कि विद इन ईयर ये पे ऑफ होने वाला है। यहाँ पे लिखा इसकी ये लिखा है 1 2022, और ये आपका बिजनेस पीरियड 31 दिसंबर 2021 को एंड हो रहा है, तो विद इन 1 ईयर जो भी अमाउंट आप पे ऑफ कर देंगी तो वो एज ए करंट लाइबिलिटी शो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल जो भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, ये ट्रेड पेबल ये आ गया, इसी में ऐड कर देना अदर पेबल, जैसे जितने भी अक्रूड एक्सपेंस हैं, बोइंग, ठीक है, अनपेड, ये लिखा हुआ अदर पेबल 27 है, दोनों ऐड कर लें तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा ट्रेड एंड अदर पेबल 2868 600, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट ये रहा, यार हम सबको ऐड कर लेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है नहीं, तो वो भी शो करते हैं, पहले वो लिखते हैं फिर करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटी हेडिंग लिख के ये अमाउंट लिखना है। ये 706 कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, आपके पास टोटल इक्विटी लाइबिलिटी आ जाएगा। तो हम बेसिकली ये वाली बैलेंस शीट इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एसेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस लैंड। सही है, आपका एसेट ये रहा टोटल एसेट, ये कैपिटल है, इसको आजकल इक्विटी कहते हैं, और ये लाइबिलिटी है। ठीक, ठीक बस ये यहाँ तक था, आगे थ्योरी देखते हैं। थ्योरी बहुत आती है, थ्योरी पे फोकस कीजिएगा, आपको मैंने काफी कुछ भेजा है। बस ये डेफिनेशन है, दो दो मार्क्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी रिटेन इन द बिजनेस, यानी जो होल्ड हो जाता है, सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं रिटेन प्रॉफिट, और वही आपका बेसिकली रिटेन क्या बोलते हैं, रिटेन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व होता है, ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है। फिर दिया हुआ कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, पहले से ये लिखना है प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग, वो क्या है, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके जी बाद ये पार्ट एफ की डेटा दिया हुआ कितनी क्लास हो रही है, 7 मार्क्स की थी। ठीक, अब कह रहा है द डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड विल रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस इन 2022 टू कवर द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ द बिजनेस, सो दे आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन वन है मेक अ फर्दर राइट इशू ऑफ शेयर, ऑप्शन टू है मेक एन इशू ऑफ 8% डिबेंचर। तो एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शन। तो उनको जो अमाउंट चाहिए एडिशन फाइनेंस चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, या तो वो इशू ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर की तरफ चले जाए, और या फिर 8% डिबेंचर फर्दर इशू करवा रहे।
तो दोनों के अपने मेरिट और डीमेरिट है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का राइट इश्यू ऑफ शेयर है, 3 मार्क्स का डिबेंचर इश्यू है, और 1 मार्क का आपका डिसीजन है। ये देखते हैं, अब इन्होंने दिया हुआ है राइट इशू के आपने मेरिट डीमेरिट में, इसके डीमेरिट ज्यादा है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। पहले तो डिफाइन किया हुआ है कि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल और डज नॉट हैव टू बी रीपेड और इंक्रीज कैपिटल, इन्होंने से एक लिख सकते, पहला फीचर। दूसरा, डिविडेंड पेमेंट आर ऑप्शनल, ठीक, इसमें से कोई दो तीन पॉइंट ले रहे हैं, दो मैरिट लिख लें एक डी मैरिट लिख लें। नो सिक्योरिटी रिक्वायर, ये भी मैरिट है, ये डी मैरिट हो सकता है। विल इट बी सक्सेसफुल राइट इशू मेड इन प्रीवियस ईयर, यानी क्वेश्चन मार लगा होता है क्या पहले आप राइट इशू आप शेयर कर चुके हैं, फर्दर राइट इशू आप शेयर करेंगे तो वो मार्केट में भी आपका सिग्नल अच्छा नहीं जाएगा, और हो सकता है क्योंकि राइट इश्यू ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, पता है आपको राइट इश्यू ऑफ शेयर किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और इसकी जो इश्यू प्राइस होती है ना वो बिटवीन मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट करें मार्केट वैल्यू $2 चल रही है, इन्होंने 1.5 पे इशू कर दिया राइट, तो सब जो भी शेयर होल्डर ले लिया तो उन्होंने $2 का भेज दिया, हर एक को 0.5 का बेनिफिट हो गया, सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि राइट इश्यू ऑफ शेयर सारे का सारा जो सब्सक्राइबर है या शेयर होल्डर है वो ले ले, ये एक क्वेश्चन मार्क। डिबेंचर इशू में दिया हुआ है 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस और मस्ट बी रीपेड और विल इंक्रीज लाइबिलिटी, आप पूरी लाइन को एक साथ एक्सप्लेन कर लो। इट इज अ टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट मस्ट बी रीपेड एंड इट इंक्रीज लाइबिलिटी, पूरा एक मार्क आपको मिल जाएगा। फिर सेकेंड फीचर है सिक्योरिटी में बी रिक्वायर्ड, आपको सिक्योरिटी गारंटी लानी पड़ेगी किसी पर्सन की या प्रॉपर्टी के फॉर्म में। थर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस, आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट और इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आप इंटरेस्ट चार्जेस पे कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आखिर में डी मैं एक मैरिट लिखा हुआ, विल नॉट डाइल्यूट ऑनरशिप, बेसिकली ये डी मैरिट है इसका, जब ज्यादा इश्यू ऑफ शेयर हो जाए ना मार्केट में, एक तो शेयर की प्राइस भी मार्केट जैसे इकोनॉमिक्स में लॉ पड़ा होगा, तो किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप ज्यादा शेयर इशू करेंगे या तो कोई परचेस कर लेगा, ज्यादा शेयर परचेस कर लेगा, 51% ऊपर परचेस कर लिए, ऑनरशिप आपकी डायल्यूट हो जाएगी। बहरहाल आप कोई भी डिसीजन ले सकती है, उसी का एक 1 मार्क आपको, ठीक है, ये आपका कंपनी अकाउंट खत्म हो गया। अब किसमें इशू है, डिस्पोजल और प्रोविजन बताओ। दोबारा बोले कौन सा, आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, डिस्पोजल वाला शो व्हाट्सएप, ये इधर मैसेज करें व्हाट्सएप पे करें। डिस्पोजल एंड प्रोविजन पर डाउट है, इसमें इशू है, ओके।
ओके, ये नजर आ रहा है आपको, क्या जी लिखा हुआ है? बिजनेस आगे पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, एक्सप्लेन बाय। अब देखें ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली, जो कि आप जब सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, जी ठीक है ना, तो आपका तो आप ये बेसिकली यू बिकम एट रिस्क, बिजनेस रिस्क पे आ जाता है। यानी आपको पता नहीं है 1 लाख की सेल की है उसमें से कितना रिकवर हो, यानी अगर 95 का रिकवर हो रहा है, 5,000 रिकवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वैसा लॉस जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू का ना पता, उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड लॉस, ठीक है, या एक्सपेक्टेड लॉस, या प्रोबेबल लॉस, या पॉसिबल लॉस कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस कहता है कि जब आपको लगे कि आपका बिजनेस फ्यूचर में कोई लॉस इनकर्ड हो सकता है, तो उसका आप पहले से कोई प्रोविजन अकाउंट बना दें, या उसका एक अलाउ सेट कर, या कोई रिजर्व सेट कर, सही है? तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब ये डाउटफुल डेट कितना होगा, कितना नहीं, इसका मतलब इसका, अब ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉर्मली जनरल होता है। जनरल का मतलब है कि 100 कस्टमर को सेल की है, 5% कस्टमर ऐसे होंगे जो पैसा यानी आपका आपका अमाउंट वापस नहीं करेंगे, यानी बैड डेट में चले जाएंगे। लेकिन कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, यानी वो डाउटफुल हो गया। एक तो बैड डेट होता है, एक तो होता है बैड डेट। बैड डेट का मतलब कंफर्म हो गया कि आप इससे पैसा रिकवर हुए, सही, ठीक है, पैसा रिकवर नहीं होगा जब पता लग जाए, इंश्योर हो जाए, जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे राइट ऑफ करने वाला, तो फिर हम ये एंट्री बनाते हैं कि बैड डेट डेबिट होगा। क्या नाम है, अकाउंट से भी करेंट होगा, ये बैड डेट डेबिट होने का मतलब ये हुआ आपका अकाउंट से रिड्यूस हो गया, सही है? यहाँ तक क्लियर है? जी ये एंट्री जब होगी, जब आपको कंफर्म हो जाए अब ये पैसा रिकवर नहीं होगा, तो आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ये मैंने आपको ओला काफी दफा करवाया था, याद है? फिर अब इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, अवॉइड ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट या करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसके पीछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बट द सेकंड रीजन इज टू मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू अक्रूवल और मैचिंग, यानी दो कॉन्सेप्ट इस एक्टिविटी के बैक पे काम कर, यानी जो मैच कॉस्ट का मतलब करंट पीरियड की कॉस्ट को करंट पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना, इसको कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग। यहाँ तक क्लियर है? और जो एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, एस्टिमेटेड लॉस हो सकता है, उसके लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि आपको लाजमी एक रिजर्व अकाउंट या अलाउंस अकाउंट या प्रोविजन अकाउंट क्रिएट कर ले फॉर एनी एक्सपेक्टेड लॉस, एस्टिमेटेड लॉस, एंड ठीक है ना, पॉसिबल लॉस जो कि फ्यूचर में इनकर हो सकता है, उसकी प्रोविजन पहले से कर लें, ताकि आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट ना हो, या आपका करंट एसेट ओवरस्टेट ना हो, या ट्रेड रिसीवर ओवरस्टेट ना हो, ये ट्रू पिक्चर नहीं बन पाएगा। क्लियर है? जी अब ये आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैक हैज प्रिपेयर्ड एन एज एज शेड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवर हर डेट। अच्छा, ये एजिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब डिफरेंट डेटर्स के लिए डिफरेंट रेट रखे हुए। अगर कोई ऐसा डेटर है या ट्रेड रिसीवर है जिसको आपने लेस देन 1 मंथ का टाइम दिया हुआ पैसा देने के लिए, उसके लिए हमने इररिकवरेबल डेट रखा हुआ है 1%। 1% चांस है कि ये ना दे, लेकिन 99% चांस है को दे देंगे, क्योंकि उसने 1 मंथ के अंदर आपको कहा है। फिर ऐसा भी होता है बिटवीन 1 मंथ एंड 3 मंथ ट्रेड रिसीवर होते हैं, 2 महीने का वादा करता है, कोई 2.5 महीने का वादा करता है,
ठीक है, लेकिन देगा 1 मंथ के बाद। अगर डेट की एज इंक्रीज हो जाए, डेट की डेट इंक्रीज हो जाए, तो आपका जो डाउटफुल डेट है ना उसका रेट इंक्रीज हो जाए, यानी वो उतना ही डाउटफुल होता जाए। आप समझ रही है, किसी ने आपसे कहा एक 1 मंथ क्या आप मुझे 1 मंथ के लिए लोन दे दें, आपने दे दिया, अब 1 मंथ के बाद आपको कहता फिर मुझे 1 मंथ चाहिए, मेरा तो वो भी ले लो, फिर उसने तीसरा मंथ मांग लिया, फिर बहुत जैसे जैसे वो डिले करता जा रहा है, वो डेट रिकवर नहीं होगा, मतलब वो डाउटफुल होता जाए, वो डेट क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है। आप समझ रही, इन दैट केस आपको प्रोविजन ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी 5% रखा हो, ठीक है ना, 1 और 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स का पीरियड दे रहे हैं डेटर को, तो जितना ज्यादा एज देंगे तो आपका डाउटफुल अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए उसका रेट हाई रखा जाए, ताकि ट्रू पिक्चर पता हो। फिर दिया हुआ बिटवीन 4 एंड 6 मंथ, इसका अमाउंट आ रहा है 2130, तो यानी ये डेटर है, ये सारे क्या है डेटर, तो 10% चांस है कि ये अमाउंट नहीं दे, क्योंकि 4 मंथ से ऊपर चला गया ना 6 मंथ, फिर बिजनेस पीरियड जब आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर 6 मंथ से ऊपर हो गया है तो इसको बैड डेट में डाल दें। फिर ठीक इसने कहा इन एडिशन 2 अकाउंट हैड बीन आउटस्टैंडिंग फॉर ओवर 6 मंथ्स, पी लिमिट 340, टू लिमिट 510, दैट पॉलिसी इज टू राइट ऑफ एज इन रिकवरेबल एनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, दैट अपडेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ इन रिकवर्ड डेट। पहले कह रहे प्रिफर गारंटी टू राइट ऑफ द इन रिकवर्ड डेट। अब देखो मैंने आपको पहले बता दी थी, यहाँ क्वेश्चन में आ गया कि जो बैड डेट हो रहा है ना उसकी गारंटी बना दें, या क्या करें, ये 2 अमाउंट है, ये 6 मंथ से डेट क्रॉस कर गए हैं, इसका मतलब ये बैड डेट में चले जाएंगे, या मेंशन है दैट पॉलिसी इज टू राइट ऑफ एज इन रिकवरेबल एनी अकाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। और एंट्री मैंने आपको पहले बता दी थी कि जब भी बैड डेट होगा तो यहाँ पे आएगा बैड डेट या IS, वो डेबिट करेंगे, यहाँ पे आएगा अकाउंट रिसीवर। अब चूंकि अकाउंट रिसीवर का नाम दिए हुए तो हम इनका नाम लिख सकते हैं, एक का नाम है पी लिमिटेड और एक का नाम है क्यू लिमिटेड, ठीक है। इधर अमाउंट आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा, इनको क्रेडिट कर देंगे 340 से, इनको क्रेडिट कर देंगे 510 से, इनका टोटल डेबिट कर, ठीक ठीक है, यहाँ तक मैं। ठीक तो आप यहाँ देख लें टोटल 850 बैड डेट या इनरिकवरेबल डेट लिखेंगे, ठीक है, और कस्टमर का नाम क्लियर कर देंगे, यानी अकाउंट रिसीवर है 340 और 5, क्लियर। सो इसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रेड रिसीवेबल के साथ कंपेयर करता है ना। नहीं, IS डेबिट होने का मतलब है लॉस होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल से नहीं कर सकते, आपका ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस हो रहा है ना, एसेट है ना ट्रेड रिसीवेबल, तो रिड्यूस हो रहा है क्रेडिट करेंगे ना, एसेट रिड्यूस होता है क्या करते हैं क्रेडिट कर, है ना, होता दोबारा बोले। गॉट इट दोबारा बोले,
एसेट एस को हाँ एसेट जब भी डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल जी आपका एसेट है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये इररिकवरेबल डेट आपका क्या है, लॉस है। क्या है लॉस लॉस का मतलब? आईएस यानी लॉस डेबिट होता है। आप यहाँ पे लॉस आईएस भी लिख सकती हैं, ऐसे ये प्रॉफिट लॉस भी लिख सकती हैं। प्रॉफिट लॉस डेबिट होने का मतलब है, आईएस डेबिट का मतलब है देयर इज अ लॉस, देयर इज अ किसी न किसी मोड में वो लॉस है। उसके बाद ये आपसे मांग रहा है स्टेट टू वेज इन विच द रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट मे बी रिड्यूस। तो ये पढ़े जरा। सर समझ आ गया आपको? सर यानी क्रेडिट सेल रिड्यूस कर दें, बेटर क्रेडिट कंट्रोल, मतलब पीछे पड़ जाएं, रेगुलर टेलीफोन कांटेक्ट विद कस्टमर्स, क्रेडिट चेक ऑन कस्टमर, अगर दोबारा उधार लेने हैं तो चेक करेंगे पिछला क्रेडिट इसे पे ऑफ किया या नहीं किया। ठीक है, इश्यू रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बार बार उनको स्टेटमेंट भेजें, सेटिंग क्रेडिट लिमिट फॉर कस्टमर, स्टॉप सप्लाई टू लेट पेइंग कस्टमर। अभी आपके लिए एट 1 जनवरी 2020 द बिजनेस हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 980। अब ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है 980, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। करंट ईयर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, और अगर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपका आपका लॉस डिक्रीज हो रहा है, इसको सेविंग कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 31 दिसंबर 2020। अब 2 मिनट रुके, ठीक है। हाँ ये देखें, इसको जरा गो थ्रू करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मुझे बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्किंग दी हुई है।
एडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग तो ये है ना जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, फिर हम करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। पहले किया आउटस्टैंडिंग लेस देन 1 मंथ, 34,000 का 1%, जब डिफरेंट रेट दिए तो डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करना हो। ये 5% आ गया और ये 10% आ गया, इन सबको ऐड किया तो क्लोजिंग कितना है? 889। कितना है? ये 889 है, नहीं क्लोजिंग है, क्या है? सर और 980 ये पिछले साल का है, इस साल का ओपनिंग हो गया। तो डाउटफुल डेट में ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दिखाया, वो तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे तुमने मांगा था कि वो आपने बताना है कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू द प्रीवियस डाउटफुल डेट, तो हमने ये कैलकुलेट किया तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो 91 से डिक्रीज हो रहा है फिलहाल, इतना इतना माफ बताना है, यहाँ पे लिखना 91 से डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद इसने आपसे मांगा टी अकाउंट, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। इसमें क्या होता है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे है, क्योंकि प्रोविजन है, प्रोविजन के जितने अकाउंट होते हैं उनके बैलेंस ब्रॉटन करेंगे क्रेडिट साइड। तो 980 हमने ब्रॉटन के लिए क्रेडिट साइड, ठीक ठीक है। अब क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है, ये कैरी डाउन होता है, इसके अपोजिट एक लाइन छोड़ के लिखा करें। और इन दोनों का डिफरेंस आईएस होता है, ओपनिंग डाउटफुल डेट का और क्लोजिंग डाउटफुल डेट का डिफरेंस आईएस होता है। अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो आईएस आएगा डेबिट साइड, ठीक। और अगर ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है तो आईएस आएगा इधर क्रेडिट साइड। आईएस डेबिट साइड आने का मतलब है कि आपकी सेविंग हो रही है, आपके लॉस, आपका लॉस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और आईएस क्रेडिट साइड पे आने का मतलब क्या हुआ कि आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है। इसकी जाना जाना एंट्री इस तरह बनेगी, अगर आईएस इंक्रीज हो रहा है तो हम आईएस को डेबिट करते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट करते, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है, देखिए पीडीटी डेबिट हो रहा है, आईएस क्रेडिट, क्लियर। जी 2 मिनट वेट कीजिए। जब आपने डिस्पोजल समझना है, तो जी
आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, मैं 2-3 मिनट बाद शुरू करता हूँ। ओके इसको पढ़े क्वेश्चन को। हाँ ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, डेफिनेशन है उसमें, रीजन है।
चलिए क्वेश्चन पढ़ लें। पहले पहले एक सेकेंड, ये डेटा दिया हुआ है, ये कह रहा है म्यू परचेज अ मोटर व्हीकल ऑन 1 जून 2016 फॉर 152,000। ऑन 1 मार्च 2015 अ न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 190,000। ओल्ड मोटर व्हीकल वाज पार्ट एक्सचेंज, इसको ट्रेड इन भी कहते हैं, एट अ वैल्यू ऑफ 84,000, यानी पुराना देगा नया लिया। द बैलेंस वाज सेटल्ड बाय अ बैंक लोन रिसीवेबल ओवर 3 ईयर। और नीचे आपसे कह रहा है कि मोटर व्हीकल अकाउंट बनाए, ठीक है, और कुछ डेटा ऊपर दिया होगा, यहाँ भी देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा, अच्छा क्योंकि ये मिड ईयर वाला क्वेश्चन है, मिड ईयर का मतलब है कि बिजनेस पीरियड जून 1 को शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 31 मई को एंड हो रहा है। आपने पहले ये ईयर लिखना है जिस डेट को शुरू हो रहा है। एसेट है तो डेबिट साइड से शुरू होगा, किसका ओपनिंग अमाउंट गिवन है, जून 1 को बैलेंस ब्रॉडन करेंगे 152,000। ये आपने भेजा कब है, 1 जून, यानी परचेज कब किया, 1 जून 2013 को। और अब चूंकि 1 जून 2013 को परचेज किया था और उसके अगले साल ही आपने इसको बेच दिया, अच्छा 2014, अभी क्यों लिया आपने 2014, क्योंकि इसने हमसे कहा है रिपेयर द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मई। बिजनेस पीरियड आपका 1 मई, 1 जून 2014 से शुरू हो रहा है और 31 मई को एंड हो रहा है। ये आपको टाइमलाइन क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे 2014 लिखेंगे, जून 1 लिखेंगे और आगे बैलेंस ब्रॉडन करेंगे और 1 2 ये हम ब्रॉडन, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमारे पास यही एक एसेट जो हमने लास्ट ईयर परचेज किया, ठीक है। फिर हमने उन्होंने लिखा 2015, यानी मार्च 1, पहले मार्च 1, ऑन मार्च 1 2015, 2014 में 15 आ जाते, तो 15 में एक नया मोटर व्हीकल परचेज किया एट अ कॉस्ट ऑफ 190,000। द ओल्ड मोटर व्हीकल, ये वाली जो मोड ये वाली 150, इसको हमने रिप्लेस किया इसके साथ और इसकी वैल्यू लगी 84,000। अच्छा अमाउंट हमने दिया ही नहीं है, यानी हमने 190,000 में से 84 तो यहाँ से एडजस्ट किया और बाकी जो है 106,000 वो हमने लोन में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो डेबिट साइड पे दो अमाउंट आएंगे,
जब पार्ट एक्सचेंज होता है ना, दो अमाउंट आते हैं, दो तो लास्ट भी होते हैं। मार्च फर्स्ट के आगे हमने लोन लिखा मंजूर 6,000 और मोटर व्हीकल डिस्पोजल 84,000, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट में सेल वैल्यू आती है ना। अब ये सेल तो भी नहीं है, ये तो पार्ट एक्सचेंज भी है। यहाँ अगर डेबिट हो रहा है तो क्या नाम है, डिस्पोजल अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मार्च वन को आपने अगर ये परचेज किया है, मार्च वन पे आपने पार्ट एक्सचेंज की, तो ओल्ड मोटर व्हीकल जो 150,000 यहाँ डेबिट हो रही थी, इसी को आप यहाँ क्रेडिट कर देंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक ठीक है, अब ये 342,000 की अगर आपको व्हीकल है तो 152 माइनस हो जाएगा पीछे 190,000 के लिए। ठीक है, ये मोटर व्हीकल अकाउंट बन गया। अब इसका बनाना है मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे जो दिया होगा ये दिया होगा, अच्छा ऊपर दिया होगा, न्यू इज अ ट्रेडर सोल ट्रेडर एंड प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिटेड बस बाय बाय ईच ईयर शी डेप्रिशिएट हर मोटर व्हीकल यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज मंथली। तो ये पॉलिसी भी आ गई, उसका रेट भी आ गया, मेथड भी आ गया। ठीक है, तीन चीज़ें हमेशा डेप्रिसिएशन में देखी जाती हैं, मेथड कौन सा है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर आरबीएम होगा या फिर वो तो और जो होता है रिवैल्यूएशन मेथड जो लूज टूल पे लगता है। फिर आपने रेट देखना है या लाइफ देखनी है, फिर आपने उसका ज्ञान यानी फुल ईयर है या मंथली है, ये पॉलिसी होती है। सही है, अच्छा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग होगी होगी। तो पहले तो ये प्रोविजन मोटर व्हीकल प्रोविजन पर टैप अकाउंट आप लिखते हैं 2014। अच्छा, प्रोविजन के जितने अकाउंट होते हैं क्रेडिट साइड शुरू होते हैं। अच्छा, इसका प्रीवियस डेप्रिसिएशन, पहले ये 2014 का हमने कैलकुलेट करना है, और जून फर्स्ट तो हम ब्रॉडन करेंगे। अच्छा, इसको 31st में, क्योंकि ये वाला जो एसेट है 152,000 वाला, ये अच्छा जून 2013 को परचेज किया गया था, तो उसका पहला साल था 31 मई 2014 को बिजनेस पीरियड एंड हो, उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो 152,000 का 20% निकाले, ये इसका पहले साल है ना, यानी फर्स्ट, हाँ 152,000 फर्स्ट जून 2013 को परचेज किया, जिस साल बिजनेस पीरियड शुरू है, 20% ट्वेंटी परसेंट, क्योंकि इसका पहला साल है तो अकूमुलेट। हाँ, एक और चीज सुन ले, क्योंकि एसेट का पहला साल है ना, अकूमुलेटेड डेबिट जीरो होता है। सही है, क्योंकि हमने नेट बुक वैल्यू मेथड यूज करना है या आरपीएम मेथड यूज करना है, तो उसमें अकूमुलेटेड डेबिट माइनस करते हैं ना, ये इसका पहला साल है। आप देख लें कि 152,000 कितना है, 30,400 आ गया, तो हम मई 31, 2014 को ये रिकॉर्ड करते हैं, ये चार्ज करते हैं, क्रेडिट साइड पे आईएस लिखेंगे 30,400, और इसको क्लोज कर देंगे उसी डेट को, यानी बैलेंस कार्ड डाउन करके, यानी यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं 30,400, और जून 1, 2015 को ब्रॉड डाउन कर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जून 1, 2015 को ब्रॉड डाउन कर। ठीक है, अच्छा सॉरी 2014, अब ये जून, ये 2014 ही चल रहा है, जून 1 बैलेंस ब्रॉट ऑफ 30,400, ये कैरी डाउन किया ना, इसी को ब्रॉट ऑफ किया। और उसके आगे देखिए, अब क्योंकि ये ईयर एंड पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमने, अच्छा, जो बेचा है एसेट, अब दो तरह के एसेट आ गए ना, एक तो वो है जो परचेज किया और एक वो है जो आपने सेल किया, तो दोनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सही है, तो 152,000 में से माइनस करें 30,400,1 to 1 6 7 0 152,000
आपने माइनस करना है 30,400। क्या आ गया? 121 6 6 00 डबल 0, ये नेटबुक वैल्यू आ गई। ऐसे ही है, ठीक है जी। आपने इसका 20% ले। टू 4 3 2 0 3,20। ऐसे ही है। ये कब पर सेल हो रही है? 1 मार्च को है ना, 1 मार्च को। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में इसका जो इसकी इसकी जो लाइफ है वो तो जून से काउंट कर ले। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मंथ बनता है। तो डिवाइड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 9 करें, देखें क्या अमाउंट आ रहा है। टू 8 2 4 0 ये आ गया, ये देखें सही। जी जल्दी से बताएं, जो एसेट सेल हो रहा है उसकी हम, 1 8 2 4 0 हाँ जो एसेट सेल हो रहा है उसकी मैक्सिमम लाइफ है 1 ईयर 9 मंथ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन था 3,400, वो माइनस किया तो नेटबुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, फिर उसका 20% निकाला तो 24,320। ये एनुअल होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एनुअल। सही है। तो अब उन्होंने बताया था कि इसकी जो पॉलिसी है ये मंथली डेफिन चार्ज करता है, तो 24,320 को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई किया 9 से, क्योंकि 9 मंथ है ना, 1 मार्च को बेच दिया था तो जून से काउंट करेंगे। 1 जून 2014 से लेके 1 मार्च, या यू कह लें 28 फेब, 28 तो 9 मंथ बनते हैं ना, जून से काउंट कर लें। सही है, जी समझ आ गया। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है 1,824। अब जो सेकंड एसेट उसने परचेज किया है 1 मार्च को किया है, उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट ये है ना, 190,000। कितनी है? तो पहले तो, हाँ पहले तो अकुमुलेटर होता नहीं है, तो 20% डायरेक्ट आ जाएगा निकाले। ट्वेंटी थाउजेंड कितना? 38,000। थाउजेंड अच्छा, इसकी लाइफ है मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने। 31 मई को बिजनेस पीरियड एंड हो जाता है, तो डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 3 करें। सही ₹9,500 आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये 1,23,400 ओपनिंग है, 1,24,400 करंट ईयर का है जो एसेट सेल किया, और 9,500 जो नया परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन, इन सबका टोटल किया तो ये बनना है 5,8,140, 5,8,140। अब उस एसेट का डेप्रिसिएशन रिमूव कर देंगे या प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे, जो हमने सेल किया, जो हमने सेल किया उसका पहले साल का डेफिन ये बनना है 30,400 और दूसरे साल का बनना है 1,240। इन दोनों को ऐड कर ले तो ये देखें मोटर व्हीकल डिस्पोजल लिखा हुआ है, ये डेफिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब 58,140 में से ये माइनस किया पीछे बैलेंस का रेडो 9,500, तो जो बैलेंस का रिटर्न होता है बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये 9,500 बैलेंस शीट में चला जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्पोजल है,
अब चाहे तो टी अकाउंट बना ले, क्योंकि हमने मांगा तो नहीं टी अकाउंट, लेकिन हम टी अकाउंट बना रहे थे तो करके एंड करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये कह रहे कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द मोटर व्हीकल परचेज ऑन 1 जून 2030। तो हम टी अकाउंट बना रहे थे, तो तो ये डिस्पोजल अकाउंट है, यहाँ मोटर व्हीकल की कॉस्ट आ जाएगी जितने का आपने परचेज किया था, 142,000। ठीक है, यहाँ इस एसेट का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, वो कितना था, 48,640। ठीक, 48,640। यहाँ पे सेल वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे हम पार्ट्स चेंज लिख सकते हैं, चाहे तो आप व्हीकल लिख लें या मोटर व्हीकल ही लिख लें, वो है 84,000। कितना है, 84,000। तो हाँ, इन दोनों को ऐड करें, ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। तो दोनों का टोटल क्या आ रहा है, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, 152,000 से, मतलब ये लॉस है। ठीक है, क्या रहा डिफरेंस, ना आ रहा है। ये आ रहा नहीं आपको नजर नहीं, ये देखिए 193 तो लॉस है ना, तो लॉस इधर आता है 193, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा डिफरेंस इधर आएगा, इसका मतलब लॉस है। इन्होंने यहाँ पे इस तरह किया। ठीक है, बात एक ही काफी है आज के लिए, थोड़ा फर्दर रिवाइज करें, मैं वीडियो भेज देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब आपने एमसीक्यूज की तैयारी भी करनी है, हेलो। हेलो, हाँ, मतलब उसके बाद वही वही कह रहा हूँ, उसके बाद करनी है आपने तैयारी। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही, आवाज आ रही मेरी? वो नहीं होगी अच्छा, चलो जी। ठीक है, ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज।